प्रिंस नहीं लगा दहेज में आएगा ना उसका रे तुम लोग यहीं से दहेज में। ये सेल्समैन हमारे देखिए पता नहीं कैसे दिखा रहे हैं। आप दीदी जी को अच्छे सामान दिखाइए ना प्लीज भैया। भैया सुनिए ना ये तो खा भी गया खत्म भी कर दिया छी कैसा इंसान है लोग। देख लो गाइस ऐसी कितनी गुड गर्ल है मामा का चंपी सुबह सुबह कर रही है कौन सा खेल से कर रही है रे पैराशूट और दे अब हो गया अब नहीं करो ना कितना का रखे हैं बस 10 और 20 का खाना है तभी हम लोग सब जा रहे हैं घूमी घूमी शाम के टाइम पे घूमी घूमी जा रहे हैं सब खिला रहे हैं ओके ओके खिला रहे हैं खिला खिला तो मामा है कि दुश्मन है रे गलवा दबा देंगे समझा उठा के ले देखे क्या देखो गाइस हम शॉपिंग कर रहे हैं इन लोग पागल मामा और भांजी देखो पागल पंथी कर रही देख लो पागल मामा पागल बेटी है चलो जैसे पागल मामा वैसे पागल बेटी। देखो गाइस हम कर रहे हैं शॉपिंग ये पपिया हा पपी लड़का ट्रायल रूम में बैठ के सेल्फी ले रहा है लथिया देंगे समझा तो काहे इतना कुत्ता है रे नहीं सुधरेगा तो करवा मम्मी पानी बच्चा थोड़ी रह गया जैसे अब देख लो तुम हमको बोलना मार्केट जाने के लिए हम एक दिन जो मार्केट आ जाए पक्का नहीं आएंगे ना कसम खा लेंगे हम भाई सिंह मामा लोग आ गया क्या ले रही हो तुम बताओ ऐसे क्या कर रही हो नहीं इसका प्रिंस का ग्रुप जन आ गया अब देखो प्रिंस को मन लगेगा लोग कैसन कैसन लोग गप करता है छिछी एकदम गिर गया तुम लोग रे अरे कौन कौन गप करते रहे विधवा हो गया है वो तीज कर रहा है वो वर्ष सावित्री कर रहा है हां भैया इसमें क्या चाहिए बताओ क्या इसमें क्या पियोगी चलो जाओ तू सब जान तुम समझाना क्या चाह रहे हो हे सुन सुन तुम क्या समझाना चाह रहे हो पुत्र को अरे अरे साला चोट लग रही है क्या मतलब इन कितना गाली दे रहा है लोग साला साला कर रहा है प्रिंस नहीं लगा दहेज में आएगा ना उसका रे तुम लोग यहीं से दहेज में इधर ही थोड़ी है बेटा अरे महाराज बाप रे बाप एक्सपीरियंस अब जल्दी बुला ना लगा ठीक है ओ हो हो इससे बढ़िया है ये सेल्समैन हमारे देखिए पता नहीं कैसे दिखा रहे हैं। आप दीदी जी को अच्छे सामान दिखाइए ना प्लीज भैया भैया सुनिए ना भैया आप कब से काम कर रहे हैं आप सुन बताओ एक्सपीरियंस के साथ दिखाने गया है
भैया आप अच्छा प्रोडक्ट दिखाइए ना प्लीज, अच्छा वाला प्रोडक्ट दिखाइए। एक ट्रे मार दिया तो फूट गया। अरे आप कितना सामान ले जाइएगा आपने ससुराल दिया था ना एक बड़ा भर के, आप कुछ बोल रहे थे भैया यहाँ ट्रक में सामान मिला है फिर भी देखिए घट जा रहा है। आयुषी आयुषी तुम क्या लोगी? आयुषी तुम क्या लोगी? तुम क्या लोगी? हाँ बोलो, तुम बोलो मम्मा लेके जा रही है ना भर करके। इन लोग साथ शॉपिंग नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। हम पापी इंसान है, बट ये सब कैसे कर ले? सुअर बांदर सब एक से एक पागल ऐसा मार रहे, लगा लड़की भेज दे हम फोटो चलो नहीं रहे करवाई नहीं देती चलो कैसे कैसे भी है सारा पागल जैसा। आप बता ठूस ले एक भाई थोड़ा अच्छे से गार्निश करना। ये क्या डाल रहे हैं? चार बनाना था भैया चार। ये तो खा भी गया, खत्म भी कर दिया। छी कैसा इंसान है ये लोग। ओए ओए बेटी 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 तो गाइस कभी भी भाई लोग के साथ मार्केट मत जाना। जेंट्स लोग के साथ मार्केट जाना मतलब मैं आज मार्केट गई थी, मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। और उसके बाद इन लोग जल्दी करो ये क्यों ले रही हो, वो क्यों ले रही हो, ऐसा क्यों ले रही हो, वैसा क्यों ले रही हो, और लेने भी नहीं देता है। और मतलब इतना बकवास करता है लोगों को, खाना पीना है, गप करना है, बातें करनी है, लेकिन शॉपिंग में साथ नहीं देना है। मतलब कभी भाई लोग के साथ तो एकदम मत ही जाना यार, नो। आज मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अब इन लोगों के साथ तो मार्केट नहीं जाऊँगी पक्का। मतलब पूरा एक दो घंटा बेकार हो गया, कुछ नहीं ले पाए। बस मतलब लोग हंसी मजाक करे, बात करे तो ठीक है, घूमे फिरे खाए तो ठीक है, बस कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते इन लोगों के साथ। क्यों लेना है वो, वहाँ पे क्यों जाना है, उस दुकान पे क्यों जाना है, ये क्यों करना है, मतलब ऐसा रहता है इन लोग का। सो बाय बाय, आज कोई शॉपिंग नहीं हुआ, अब मैं नेक्स्ट डे अकेले अपने गर्ल्स गैंग के साथ जाऊँगी तब शॉपिंग करने।